हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के जितने तीन पार्ट होते हैं वो मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में बता दिए हैं। इस वीडियो में ये आखिरी टेंस है जो प्रेजेंट टेंस का है, इसके बाद पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें आप देख सकते हो कि प्रेजेंट तो होना ही है कि लास्ट में जो चीज़ें कंटिन्यू में है, प्रेजेंट चीज़ें हैं वो होंगी, और इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो हमने जब कंटिन्यूअस टेंस देखा था तो ये पढ़ा था कि जो चीज़ें चल रही होती हैं वो कंटिन्यूअस में आती हैं, और परफेक्ट में जो अभी अभी कोई काम पूरा हुआ हो। यानी कि अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, कोई काम जो है भूतकाल में या पहले से शुरू हुआ है लेकिन वो अभी भी चल रहा है, वो काम हो सकता है 5 महीने पहले से चल रहा हो, 6 महीने पहले से चल रहा हो, 1 दिन पहले से चल रहा हो, 2 घंटे पहले से भी चल रहा हो, तो ऐसे जो पहले से चल रहा हो अभी भी कंटिन्यू वो हो रहा है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं अगर कोई सेंटेंस बोल दूं कि कल रात से बारिश हो रही है, तो कल रात से वो बारिश शुरू हुई थी जो अभी भी हो रही है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के में आते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या होती हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ या हैव के बारे में मैंने पहले बता दिया कि जितने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैं सब में हैज़ लगेगा और अदर्स में हैव लगेगा, बीन सब में लगेगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब का जो ING फॉर्म होता है, जैसे वर्क का वर्किंग, गो का गोइंग, इस टाइप का ING फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे सिंस लगाना है और कहाँ पे फॉर लगाना है। तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे हम कोई काम, मान लो कोई काम कल रात से पूरा हुआ है, तो कल रात के कितने बजे से हुआ है अपने को नहीं पता है ना। अगर मान लो कोई कितने बजे से है वो भी अगर पता चल जाता है तो अभी कितना बजा है, अगर हम लोग अभी समय देख के बोले कि तो अलग हो जाएगा, लेकिन समय अगर नहीं बता रहे और ऐसे बोले कि कल रात से हो रहा है, तो हमें कोई ड्यूरेशन नहीं मिलेगा कि उस काम को 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, या 3 दिन हो गए, कितना दिन। तो जहाँ पे हमें ड्यूरेशन का पता हो, है ना, ड्यूरेशन या अवधि पता हो, वहाँ पे फॉर लगता है। जहाँ पे समय कब से शुरू हुआ है वो तो पता है, कोई फिक्स टाइम से शुरू हुआ है, रात से शुरू हुआ है, मंडे से शुरू हुआ है, 4 बजे से शुरू हुआ है, ऐसे कितने बजे से फिक्स समय से अगर हमें पता चल रहा है तो वहाँ पे सिंस लगेगा, लेकिन सिंस पे आपको ड्यूरेशन नहीं पता चलेगा। क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ बोलूँ कि 10 बजे से वो काम कर रहा है, तो कितने घंटे या उसने टोटल कितना काम किया उसके देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी का समय देखना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि 5 दिन से वो काम कर रहा है, तो 5 दिन मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन बता दिया। तो यही है सिंस और फॉर का लॉजिक। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह सुबह से गाना गा रहा है, तो अगर हम गाना गा रहे अगर बोले तो ही सिंगिंग हो जाएगा, लेकिन सुबह से गाना गा रहा है तो सुबह से गाना गा रहा है मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमें सुबह का टाइम पता है लेकिन अभी ड्यूरेशन में पता नहीं चला, इसलिए सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव जब करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हैज बीन के बाद में नॉट लगे, यहाँ पे हैज मेन हेल्पिंग वर्ब है और ये सहायक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ही हैज नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। अगर इसी का इंटरवेटिव करेंगे तो सिर्फ हैज वाला पार्ट सामने आएगा, हैज ही बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो हैज ही नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ये स्ट्रक्चर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये सिंस के लिए था, अब मैं आपको फॉर के लिए देती हूँ। जैसे वो लोग 2 घंटे से कोई काम कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे 2 घंटा ड्यूरेशन पता चला इसलिए फॉर। इसका नेगेटिव कर चलो, दे हैव Not been working for 2 hours. Interrogative हो जाएगा, have they been working for 2 hours? और interrogative negative हो जाएगा, have they not been working for 2 hours? तो ये मैंने 2 example को लेकर दिए हैं, आप बहुत सारे examples और बनाइए, आपसे present perfect continuous tense बहुत ही easily बन जाएगा। लोग अगर tense में कहीं पर दिक्कत आती है तो इस tense में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, पर आपको अगर बारीकी मालूम हो तो आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे।
और भी कुछ वीडियोस मुझे क्वेश्चन आ रहे थे प्रीलिम्स के लिए, इसके लिए, तो मैं उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगी। अभी ये इंग्लिश का है जो आज मैं अपलोड करूंगी। थैंक यू।